आप सब तो देखते होंगे आज की डेट में हर बड़ी कंपनी बाहर की है। हर जो वो कंपनी आप यूज़ करते हो, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, उसके बाद भी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी आप उठा के देख लीजिए, सभी कंपनियां विदेशी हैं। इंडियंस ने नहीं बनाई, वो कंपनीज विदेशियों ने बनाई है, विदेशियों ने उसको बिल्ड किया है। तो ऐसा क्या है इंडियंस में और विदेशियों में कि इंडियंस उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं और विदेशी लोग उसको कर जाते हैं और अपनी दुनिया पर पूरा राज करते हैं। तो उसी के चलते मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि इंडियंस लोगों को कैसे एम्पावर करना चाहिए, किस माइंडसेट से सोचना चाहिए और कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया जाए और उससे आप अपना और अपने देश का नाम बहुत ऊंचा करके दिखाएं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्राई डबलोटेक ट्रायोटेक, नाम मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताने वाला हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये जो वीडियो है ये 6 से 7 मिनट की वीडियो बनेगी, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो ऐसा क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और बाहर के एजुकेशन सिस्टम में कि इंडिया के लोग अपने उस मेंटेलिटी से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, अपने उस लेवल को टच नहीं कर पाते हैं ताकि वो इंडिया में रह के कुछ एक ऐसी बड़ी कंपनी बना दें, एक ऐसा बड़ा स्टार्टअप क्रिएट कर दें जो कि दुनिया भर में जाना जाए, विदेशी लोग, अमेरिकन्स, यूके, ब्रिटेन के लोग भी इंडिया का प्रोडक्ट यूज करें। ऐसा हो क्यों नहीं पाता? ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो हमारा स्टडी सिस्टम है उसमें ही खोट है, उसमें ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो हमको एक जॉब के लिए पढ़ाता है। हमेशा वो ये बोलता है कि नहीं, हम पढ़ते हैं तो एक जॉब के लिए पढ़ना है, बट लोगों को ये पता नहीं होता कि लोग जॉब तो क्यों करते हैं। ज़िंदगी भर जॉब करते रह जाएंगे, 20 से 30 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार तक की सैलरी में बस ज़िंदगी भर जॉब ही करते रह जाएंगे, लेकिन उनको ऐसा क्यों नहीं सिखाया जाता कि उनको खुद का एक ब्रांड बनाना चाहिए, उनको एक खुद का एक प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहिए जिसको वो पूरी दुनिया की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सके। आज की जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो बस यही चाहती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख ले, उसके बाद 12वीं के बाद एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसके बाद एक वेल रिप्यूटेड सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब उसको मिल जाए। ज़िंदगी भर वो बस 60 से 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख तक की सैलरी में अपनी ज़िंदगी गुजारा कर दे, लेकिन उनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि उनका बच्चा, उसके अंदर पोटेंशियल उससे ज़्यादा है, वो उससे ज़्यादा भी कुछ कर सकता है। ये चीज़ समझने के लिए उनको पता नहीं क्या लगता है इंडिया में ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं पता। प्लीज़ यार, इन सब को चेंज करिए और अपनी मेंटालिटी को थोड़ा वास्ट करिए, ऐसे सोचिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, उनको जो करना है उनको करने दीजिए, उनको प्रॉपर गाइड करिए। अगर वो अपने रास्ते से, ट्रैक से भटक रहे हैं तो उनको गाइड करिए, उनको किस तरीके से अपनी लाइफ में क्या करना है, उनको प्रॉपर एक गोल सेट करके दे दीजिए कि आपको ये करना है अपनी जिंदगी में, और अपने घर का एनवायरमेंट भी वैसे ही बनाइए ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे चल के कुछ कर पाए अपने बलबूते पे। आज इंडिया में इतनी बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि उनको कभी सेल्फ डिपेंडेंट बनाया ही नहीं गया, उनको हमेशा दूसरों के ऊपर आश्रित रहने के लिए ट्रेन किया गया। तो इस तरीके से इंडिया में अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले टाइम में आप देखोगे बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाहर के लोग हैं उनके पेरेंट्स उनके बच्चों को क्या समझाते हैं। वो उनको ये समझाते हैं कि उनको कैसे एक बिजनेस बिल्ड करना है, कैसे अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, कैसे लोगों की हेल्प करनी है और एक एंटरप्रेन्योर बनना है। इंडिया में लोग क्या सिखाते हैं? इंडिया में अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो आप इस जॉब को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे। शर्मा जी का लड़का है, आज उसने इतना पढ़ाई कर ली कि आज वो बैंक में क्लर्क है। यार, क्लर्क होने के लिए ही बस हम पढ़ते हैं? बस सिर्फ एक लेवल तक अपनी जिंदगी को सीमित कर देने के लिए ही हम पढ़ते हैं? क्यों इंडिया में ऐसा सोचा जाता है? क्यों लोग वास्ट नहीं सोचते? प्लीज़ यार, अगर आप भी उनमें से हो जो एक लिमिटेड सोच रखते हो अपनी ज़िंदगी में, तो प्लीज़ उस सोच से ऊपर बढ़िए, उस सोच को आगे लेके जाइए, अपने और अपने देश का नाम रोशन करिए यार, वर्ल्ड लेवल पे अपने देश को लेके जाइए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स ही होनी चाहिए अगर आपको अपने देश का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, एक बिजनेस वाली सोच रखते हैं अपने मेंटालिटी में, तो प्लीज़ ऐसे फोरम्स ज्वाइन करिए जहाँ पे आप डिस्कशन कर पाए, क्वेश्चंस पूछिए, क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनके आंसर मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको आइडियाज़ भी वैसे ही आपके दिमाग में आएंगे। और लोग मुझसे हमेशा ये पूछते हैं, सर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, आप मुझे कोई आइडिया दे दीजिए, कोई हिंट दे दीजिए, मैं उस बिजनेस को स्टार्ट कर लूं और मैं उससे प्रॉफिट कमाऊं। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सिंपल सा, आपका बिजनेस आइडिया, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आप ही सक्सेसफुल हो जाओगे। तो सिर्फ करना क्या है आपको, एक छोटा सा
सा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो ऐसा बिजनेस सेटअप करिए जहाँ से रिकरिंग इनकम होती रहे। रिकरिंग मतलब हर महीने आपको वहाँ से इनकम आती रहे। सपोज जैसे मैंने कोई कोर्स बना लिया, कोई वीडियो कोर्स बना लिया, यहाँ से कोई रिकरिंग इनकम आएगी क्या मुझे? नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक कोर्स खरीदने के बाद, एक ई बुक खरीदने के बाद दूसरा बंदा आपकी ई बुक्स दोबारा बाय करने नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको उसी बंदे को दोबारा बुलाना है, रिकरिंग इनकम करनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे हर मंथ आपकी रिकरिंग इनकम हो। आप उसको सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर कर सकते हैं कि हर मंथ अगर आपकी सर्विसेज या फिर आपकी जो आप उसको प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो यूज करे, तो हर महीने वो बंदा आपको पे करे। तो इस तरीके का बिजनेस मॉडल तैयार करिए अपने दिमाग में, उस तरीके से सोचिए, रिसर्च करिए और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करिए। चीज़ों को अलग ढंग से करने को ट्राई करिए, हमेशा ट्राई करिए कि आप उस चीज़ को अपने ढंग से, अपने सोच के हिसाब से कैसे अलग कर सकते हैं। हमेशा अगर आप एक फर्स्ट मूवर नहीं है तो एक फास्ट मूवर बनिए। आपको ये बात पता होगी, जो गूगल है, जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, वो सर्च इंजन है, वो अपने जॉनर में पहला सर्च इंजन नहीं था। इससे पहले भी बहुत सारे सर्च इंजन थे, याहू हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन थे जो गूगल से पहले आए थे। लेकिन गूगल ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई, एक ऐसा लोगों के दिमाग में ऐसी अपनी इमेज बनाई जिसके कारण आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो क्या हम इंडियंस ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। बट क्या है कि जो सोच हमारी चलती आ रही है ना, स्टार्टिंग से हमको जो सिखाया जाता है, हमको हमेशा बोस्ट हमारे दिमाग में जो भरा जाता है, उसके चलते हम ये नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ यार, जो आप जो भी हो इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ ऐसी मेंटेलिटी बनाओ अपने लाइफ में, ऐसा सोचो, ऐसा अपने आप को इन्वेस्ट करो, अपने अंदर इन्वेस्ट करते जाओ बस, और ऐसे एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दिखाओ जो कि दुनिया को आप पूरे अपने कदमों में लेके आ जाओ। यार आज इंडिया तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन तेज़ी से प्रोग्रेस करने के साथ साथ क्या हर इंसान प्रोग्रेस कर रहा है? नहीं यार, किसान अपने आप को मार रहा है, किसानों की प्रॉब्लम्स कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई बस खाली नेता लोग बड़े होते जा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, पैसे धरे जा रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को अमीर बनाते जा रहे हैं। लेकिन यार, जो एक नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली मेंबर्स है, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? लेकिन आज का जो दौर है ना, आज के दौर में हर इंसान कुछ भी कर सकता है, उसके पास पूरे रिसोर्स हैं। आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट की पावर तो आप सब जानते ही हो। इंटरनेट पर बस आपको फोकस रहना है, थोड़ी सी नॉलेज और स्किल्स गेन करनी है, उसके बाद फिर आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में लेके आ सकते हो। यार पूरी दुनिया को अपने एकदम चंगुल में एकदम बटोर के रख सकते हो। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन है यार, हमेशा मैं यही चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा क्या सपना है, मेरा बस इतना ही सपना है कि इंडिया में भी लोग ऐसे माइंडसेट के साथ आगे बढ़े, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जिसको US के लोग, UK के लोग, चाइना के लोग इस्तेमाल करें, उनको यूज़ करें। हाँ, ये बोले कि ये प्रोडक्ट इंडिया ने क्रिएट किया है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा देश में चाहता हूँ हमेशा। पता नहीं मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं हमेशा उस पर मेहनत करता रहता हूँ, मैं नहीं कर पाया। बट यार, मैं जो सोच रहा हूँ, जिस तरीके की सोच मैं रखता हूँ, उस तरीके की सोच आप सब भी रखिए यार। थोड़ा सा मैं तो चलो कुछ भी नहीं हूँ, आप सब तो मुझसे भी ज़्यादा एक एडवांस लेवल पर जा सकते हैं, आप सबके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। आप सब उस नॉलेज को एक तरह अपने पास मत रखिए, उसको स्प्रेड करिए, लोगों को बताइए, उनको अलग अलग तरीके से हेल्प करिए, उनकी उनको आगे बढ़ने में मदद करिए। तो बस उस तरीके की सोच अपने दिमाग में रखिए और हमेशा ये मान के चलिए कि आपको कुछ अलग करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ऐसी सर्विस क्रिएट करनी है जिसको पूरा वर्ल्ड यूज़ करे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अपनी एक कोशिश थी, अपनी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं उससे आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर पाऊँ और इंडिया में हर घर में एक ऐसे बिजनेसमैन को प्रोड्यूस कर पाऊँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कभी ये ना हो, कभी भूखा ना सोए और लोगों की भी हेल्प करे उनकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस नॉलेज को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार नए मेहमान हैं, गलती से हमारे चैनल पर टपक गए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरीके की आप सबके सामने वीडियोस लेके आता हूँ, टेक्निकल वीडियोस, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आप सबको इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर आपको वो सब देखना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात और, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको फ्यूचर में कैसी वीडियोस देखनी है, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या फिर आपकी कोई परेशानी है तो उसको भी आप नीचे लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, आपकी मदद करने की। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता हूँ अपनी फ्यूचर वीडियोस में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भूलिएगा नहीं क्या, ट्राई डबल ओटेक, ट्रायोटेक चैनल का नाम है मेरे दोस्त। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।